हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस हमारा जो वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल, है ना, यानी ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता। भ्रष्टता से मतलब आप समझ गए होंगे कि एनएक्स, एनवाई और एनजेड की ऐसे डिफरेंट वैल्यूज़ जिनके लिए एनर्जी जो है वो सेम आएगी। तो हमने देखा था कि 3E1 एनर्जी लेवल जो है वो नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल होता है, इसकी अपभ्रष्टता की कोटि जो होती है वो जीरो होती है, मतलब इसकी अपभ्रष्टता वन होती है, मतलब ये इकलौता ही ऐसा होता है इसका, इसके अलावा और कोई इसका सेट नहीं होता है ऐसा जिसके लिए सेम एनर्जी मिले, ठीक है। तो ये नॉन डीजनरेट हो गया। इसके अलावा हमने देखा था जब एनएक्स एनवाई एनजेड 2-2 होंगे, मतलब जब वैल्यू सेम होगी एनएक्स एनवाई एनजेड की, तो वो नॉन डीजनरेट स्टेट होगी, उसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर हमने डीजनरेट स्टेट्स देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था 6E1 के लिए इस एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग दो सेट्स बनते हैं, तो इसकी डीजनरेसी जो है, जो 6E1 है उसकी डीजनरेसी जो है आपकी दो नहीं तीन बन रहे होंगे ना, हाँ तीन, 1, 2 और 3, तो इसकी डीजनरेसी जो है वो 3 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बताया था आपको 9E1 के लिए इसकी डीजनरेसी भी हो गई आपकी 3, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको एनएक्स एनवाई एनजेड के 3-3 सेट मिलते हैं, ठीक है, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम ही मिलेगी आपको 9E1, ठीक है। फिर आती है 14E1, है ना, ये मैंने आपको दिया था कि आपको बताना था कि 14E1 के कॉरस्पॉन्डिंग एनएक्स एनवाई एनजेड के कितने सेट्स मिलेंगे वैल्यूज़ के, जिनके लिए उनके डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो ई है उसकी वैल्यू सेम मिलेगी, यानी कि फॉर डिफरेंट आइगन फंक्शंस आइगन वैल्यू सेम होगी, ठीक है, क्योंकि एन एक्स एन वाई एन जेड अलग अलग होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन भी तो अलग अलग आएंगे, क्योंकि हमने निकाल रखा है ना कि साई हमारे पास क्या होता है, 3 डायमेंशन के लिए साई कितना होता है, ये देखो ये होता है। यहाँ पर आप एन एक्स एन वाई एन जेड की डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन तो डिफरेंट आएगा, लेकिन एनर्जी आइगन वैल्यू सेम आएगी, यही तो होती है डीजनरेसी, ठीक है। तो 14E1 के लिए मैंने आपको करने के लिए दिया था, तो इसमें मेरे को साक्षी ने, है ना, रिप्लाई किया है, और साक्षी का रिप्लाई है कि ऐसी स्टेट्स जो है वो 6 होंगी जिनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स हैं वो 14E1 मिलेंगे, उसके लिए 6 स्टेट बताई हैं उसने, 1-2-3, 2-1-3, 2-3-1 और 3-2-1, 3-1-2 और 1-3-2, तो उसकी सही है 6 डीजनरेसी होगी, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एन एक्स एन वाई एन जेड के कितने सेट मिलेंगे, 6, तो इसकी डीजनरेसी जो आएगी आपकी वो आएगी 6, ठीक है। कैसे आएगी देखो, 14E1 के कॉरस्पॉन्डिंग एन एक्स एन वाई एन जेड की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1-2-3 हो सकती है, मतलब पहले को आप एन एक्स मानो, दूसरे को एन वाई मानो, तीसरे को एन जेड मानो, तो देखो ना 14 बनाना था, 3-3-9 और 4-13 और 1-14, है ना, फिर इनके अलग अलग सेट बना लो, है ना, 1-2-3 है तो इसमें बन जाएगा आपका 2-3-1 बन जाएगा, इसमें बन जाएगा 3-2-1 बन जाएगा, या फिर और क्या सेट बन सकता है इसके अलावा आपका, इसके अलावा आपका बन सकता है 3-1-2 बन सकता है ना, एक सेट ये भी बन सकता है, ठीक है, एक बार एक आगे आ गया, एक पीछे आ गया, बीच में आ गया, फिर और भी बन सकते हैं, जैसे आपका 1-2-3 तो आ गया, है ना, जैसे आपका ये बन जाएगा 2-1-3, है ना, एक क्या बन जाएगा 2-1-3 बन जाएगा, और एक और बन सकता है आपका, हाँ, 1-3-2, तो ये ऐसे सेट है, है ना, एन एक्स एन वाई एन जेड के जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या मिलेगी, 14E1, समझ में आ गई बात। आप ऐसे ही आप चेक कर सकते हो 18E1 के लिए, 18E1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सेट बनेंगे, मतलब 18E1 आना चाहिए आपके पास एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर करके, है ना, तो आपको आपके दिमाग में आ गया होगा कि एन एक्स एन वाई एन जेड की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1-1-4 हो सकती है, क्योंकि 4 चौके 16 और 2 18 हो जाते हैं ना, तो क्या क्या सेट बनेंगे, या तो 4-1-1 बनेगा, या फिर बनेगा 1-4-1 बनेगा, या फिर बनेगा आपका 1-1-4, समझ में आ गई। ऐसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू आएगी, ऐसे ही 17E1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हो, है ना, ऐसे ही आप 19E1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो, ऐसे ही आप 21E1 के कॉरस्पॉन्डिंग, अब आप सोचोगे कि बीच के कहाँ है, है ना, क्या 20E1 पे बन सकता है, नहीं बन सकता भाई, आपको एन एक्स एन वाई एन जेड की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिनके लिए वैल्यू है, हर किसी एनर्जी लेवल्स हमारे कंटिन्यूस थोड़ी ना आते हैं, अगर कंटिन्यूस आते तो एन एक्स एन वाई एन जेड की हर वैल्यू जो है एक्सेप्टेबल थी, लेकिन हम जानते हैं कि जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आप बताओ एन एक्स एन वाई एन जेड की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जिसके लिए उनका स्क्वायर का सम 20 आए, क्या पॉसिबल है, जीरो के बिना तो पॉसिबल नहीं है, है ना, जीरो आएगा,
और जीरो हम कह रहे हैं कि एन एक्स एन वाई एन जेड में से किसी की नहीं हो सकती, इसलिए 21 की कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तभी तो हम कह रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी लेवल मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, डिस्क्रीट मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे 17 E1 है उसके लिए तो पॉसिबल है, सब 17 E1 में क्या बन सकती है, 3 3 9 और 4 13 और 4 17, हाँ तो आगे बन सकती है 3 2 2, 9 4 13 और 4 17, है ना, ये पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बन सकती है, इन्हीं में आगे पीछे कर लो, है ना, जैसे आपका 2 3 2 बन जाएगा या फिर आपका बन जाएगा 2 2 3 बन जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसमें ये 17 E1 पॉसिबल हो, सोच के देखो, चार तो, चार तो है नहीं भाई, देखो चार चौके चार और एक को लेते हो तो फिर एक जीरो लेना पड़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दो दुनी अगर दोनों तीनों दो दो लोगे तो भी पॉसिबल नहीं है, है ना। अगर दोनों में से एक तीन ले लिया तो हमने वो तो सेट ले ही लिया, है ना। इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई एक वन लेना चाहते हो, 3 3 9 3 3 9 और 1, यानी कि 3 3 1 लोगे तो 9 9 18 और 1 19 आ जाएगा, तो फिर वो इसके लिए आएगा, 3 1 1, है ना, और 1 1 3, ठीक है। ऐसे मतलब सोचोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, है ना, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, 1 3 1, ठीक है। ये आपका किसका बन गया, 19 E1 के लिए बन गया, है ना। 21 E1 के लिए बनाओ, 21 E1 के लिए कैसे बनेगा आपका, जैसे अगर एक वैल्यू हमने 1 ले ली, दूसरी 2 और तीसरी 3 ले ली अगर हमने, 1 2 3, तो उसके लिए तो बनेगा नहीं, उसमें 14 बनेगा, 4 लो, 4 4 16 और 4 20 और 21, हाँ ठीक है, 1 2 4 पे बन जाएगा, है ना, 1 2 4 ले लो, 2 4 1 ले लो, और क्या बनेगा आपका, और बन जाएगा आपका 2 1 4 बन जाएगा। और कोई वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए आपको 21 E1 वैल्यू मिलेगी। अब देखो ये तीनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो और भी सेट पॉसिबल है, जैसे आपका ये पॉसिबल है 1 4 2, जहाँ वैल्यू तीनों अलग अलग है ना वहाँ कम से कम 6 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 6 सेट्स पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 था, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू सेम है तो केवल 3 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो ना वहाँ उसी की तरह ही है, ठीक है। और भी वैल्यू पॉसिबल है, जैसे आपका ये बन जाएगा 4 2 1 बन जाएगा, है ना, और बन जाएगा 4 1 2 बन जाएगा, 3 3 6 6 हो गए ना, बस अब इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है जिसके लिए 21 E1 बनेगी। तो इस तरीके से सारी एनर्जी लेवल्स आ गए, ठीक है। तो आप एक टेबल बना लेना, बाकी आपकी बुक में भी है, मैं भी फटाफट से बना देती हूँ, है ना, जिसमें आपको एनर्जी लेवल्स डी जनरेसी, है ना, जी, और इधर आपके आएंगे सेट्स, किसके, N1, N2, N3 सेट्स, यानी कि ये तो हो गए ऊर्जा स्तर, ये अपभ्रष्टता, और यहाँ पे समुच्चय N1, N2, N3 के। जैसे सबसे पहली एनर्जी जो मिलेगी, सबसे पहली मिनिमम एनर्जी 3 E1 पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैल्यू हमें क्या क्या मिली थी, ये मिली थी एनर्जी का फॉर्मूला हमारा ये है, NX² NY² NZ² तो मिनिमम वैल्यू इनकी 1 पॉसिबल है, 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो 1 1 1 रखेंगे तो 3 E1 एनर्जी तो आएगी, मिनिमम 3 E1 ही पॉसिबल है, ठीक है। तो 3 E1 की डीजनरेसी होती है 1, है ना, मतलब ये नॉन डीजनरेट है, ठीक है। तो इसके लिए जी की वैल्यू, है ना, सेट क्या बनेगा, 1 1 1, एक ही पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा अगली वैल्यू क्या हो सकती है, आप इनमें से किसी एक की वैल्यू 2 रख सकते हो, है ना, तो 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 6 से ऊपर पॉसिबल नहीं है, मतलब आप 4 E1 वैल्यू पॉसिबल नहीं है एनर्जी इस फॉर्मूले से, 5 भी पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल है, समझ में आ गया, इसलिए 4 और 5 की एनर्जी लेवल नहीं आता। इसकी डीजनरेसी कितनी आती है, 3 आती है। सेट्स क्या क्या बनेंगे, 1 1 2, ठीक है, 1 2 1 1 बनेगा और 1 2 1 बनेगा, ठीक है। इसके अलावा 9 E1 के लिए देख लीजिए, अब देखो 7 E1 और 8 E1 वैल्यू पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला विदाउट 0, समझ में आ गया। आप यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, है ना, 2 और 2 कितने हो गए, 4 4 और 4 8 हो गया, लेकिन अगर आप इसको 0 लोगे तो ही 8 E1 पॉसिबल है, और 0 हम ले नहीं सकते, ठीक है। 7 भी पॉसिबल नहीं है, 7 कैसे पॉसिबल होगा, नहीं है ना पॉसिबल, इनमें से किसी एक को 2 तो लेना पड़ेगा, दोनों को 2 लोगे तो 9 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट जो बनेगा एनर्जी लेवल वो 9 E1 बनेगा। इसकी डीजनरेसी भी 3 होती है ना, और 9 E1 का तो मैंने बनवा भी दिया था आपको, क्या क्या बनेगा, दोनों में से एक की जगह दोनों को 2 ले लो, 2 2 1 ले लो, 2 1 2 ले लो और 1 2 2 ले लो, ठीक है, 3 सेट पॉसिबल है। इसके बाद कौन सी पॉसिबल है, 11 E1 पॉसिबल है। 11 E1 जो है उसकी डीजनरेसी भी 3 होती है, और वो कैसे बनेगा, 3 3 9 2 11, 1 1 3 से बनेगा, है ना, 1 1 3 3 1 1 और
आपका 131। क्या इसके अलावा पॉसिबल? मैंने कहा ना जहाँ पर दो वैल्यू सेम आएगी ना वहाँ तीन ही साइड पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आएगा, 12E1 आएगा, है ना। वो कैसे पॉसिबल है, तीन तिया नौ, है ना, नौ और ये आपका किस पे बनाना है आपको, 12E1। हाँ तो फिर इसका तो और साइड तो बनेगी नहीं, नॉन डीजनरेट आएगा। ये अपन ने बनाया था ना 12E1 का, तो 2 2 2 पे बनेगा, एक ही साइड पॉसिबल है 2 2 2 पे, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो पॉसिबल है वो है 14E1, वो भी बता दिया मैंने आज, अभी आते ही बताया। उसके 6 सेट पॉसिबल है, कौन कौन से, 1 2 3, है ना, 2 3 1, है ना, 3 1 2, ठीक है। फिर पॉसिबल है आपका 3 2 1, ठीक है। फिर आपका पॉसिबल है आपका ये आपका 2 1 3, ठीक है। फिर आपका पॉसिबल है 1 3, कितने हो गए, 3 और 3 6, ठीक है। इस तरीके से ये आपके 6 सेट्स हो गए 14 के लिए। फिर आ जाओ आप, ये आपके 6 हो गए इसकी डिजेनरेसी। फिर आता है आपका 17E1, है ना, 17 से ऊपर 14 या 16, सॉरी 15 16 पॉसिबल नहीं है, है ना, आप देख लेना नहीं है पॉसिबल। तो इसके भी तीन सेट बनेंगे। ये कैसे कैसे बनेगा आपका, ये बनेगा 3 3 9 4 13 17, 3 2 2 से, है ना, 3 2 2 और 2 2 3 और 2 3 2, ठीक है। तीन ही पॉसिबल है, तीन हो गई इसकी। फिर आती है आपकी 18E1, है ना, अभी बताया था ऊपर मैंने 18E1 इसकी डिजेनरेसी कितनी है, तीन किस किस पे पॉसिबल है, 411 141, सारे आप चेक भी कर लेना, कोई समस्या नहीं है। फिर पॉसिबल आपका कौन सा 18 के बाद, 19E1 और फिर 21E1, है ना। 19E1 पे कितनी बनेगी डीजनरेसी ये बता दिया मैंने ऊपर, तीन आएगी इसकी डीजनरेसी भी और 21E1 की 6 आएगी। तो इसके क्या क्या सेट बनेंगे, 3 3 1, ठीक है, 1 1 3 और 1 3 3, एक मिनट, 1 1 3 थोड़ी ना बनेगा, 1 3 3 बनेगा, है ना, और क्या बनेगा, 3 1 3, ठीक है। यहाँ पे गलती से हो गया, 1 3 3 कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आपके 21E1 के 6 सेट बनेंगे, कौन कौन से, 1 2 4 ऊपर लिख रखे हैं, 2 4 1, 2 1 4, 1 4 2, 4 2 1 और 4 1 2, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये एनर्जी लेवल आगे भी पॉसिबल है, आप कितने भी बना लो, ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इतने ही बहुत है आपके, और इससे कम भी बना लोगे, ठीक है, आपको बात समझ में आनी चाहिए, कुल मिलाकर ये मतलब है कहने का, ठीक है। अब हम जो है ये एनर्जी लेवल्स जो है बना सकते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल कैसे मिलेंगे, डिस्क्रीट। तो आप एक ऐसे इसे ग्राफ बना लीजिए, पूछा जाता है डीजनरेट आइगन वैल्यूज़ के लिए। जैसे ये आपका हो गया, थोड़ा नीचे ले लो, ये आपका जो है लेवल है, मतलब जीरो का लेवल है, पर हमारे पास जीरो एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। सबसे पहले मिनिमम एनर्जी मिलती है 3E1, तो ये है हमारी एक्चुअल 0 पॉइंट एनर्जी, ये तो जीरो है, लेकिन जीरो तो मिलती ही नहीं है हमें, ठीक है। तो इस पर इसकी डीजनरेसी क्या मिलती है, 1, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ये जो हमें टेबल बनी है ना, इससे अपन ये ग्राफ बना रहे हैं। तो सबसे पहले एनर्जी मिलती है 3E1, फिर कितनी मिलती है, 6E1, तो इससे थोड़ा ऊपर मिलेगी, है ना, ज़्यादा है इससे, तो ये आपकी यहाँ मिलेगी, ठीक है। आप लाइन थोड़ी सीधी बनाना, मेरी थोड़ी टेढ़ी हो रही है। इसकी डीजनरेसी मिलती है 3, ठीक है, ये आपका कितना है, 6E1। फिर के लिए कितना मिला, 9E1, तो 3 3 का ही डिफरेंस आना चाहिए, तो एक तरीके से ये और ये डिफरेंस सेम होंगे, 3E1 3E1, तो ये आपका है 9E1। इसकी डीजनरेसी कितनी मिल रही है हमें, 3, ठीक है। फिर आ रहा है 11E1, तो इससे कम, ये डिफरेंस 3 3 का आ रहा है भाई, हम नाप नाप के नहीं बना सकते, लेकिन कॉमन सेंस से तो बना सकते ना, तो ये 3 3 का डिफरेंस है, तो अब 2 का मिलेगा, तो थोड़ा कम ले लो, ठीक है। ये हो गया 11E1, इसकी डीजनरेसी कितनी मिल रही है हमें, 3 ही मिल रही है। फिर है 12E1, तो ये कम आएगा, और भी कम आएगा, यहाँ बनाओ, ये आ गया 12E1, इसकी डीजनरेसी मिल रही है 1, है ना, मतलब ये नॉन डीजनरेट, 12 के बाद है 14, तो जितना आपने ये 9 और 11 का लिया है, उतना 12 और 14 का लो, इसकी डीजनरेसी है 6, ये आपका 14E1। फिर आ रहा 17E1, 3 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस अपन पहले ले चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉमन सेंस से बनाना है ना, अपन नाप के नहीं बना रहे, लेकिन पता चलना चाहिए ना चीज़ों में डिफरेंस सेम है, 14 के बाद 17, फिर सब में 3 3 का डिफरेंस है, 17 के बाद, एक मिनट
हाँ मुझसे हो गई 17 के बाद 18 का जो है वो तो 1 का ही डिफरेंस है ना, तो ये यहाँ आएगा 18। 18 के बाद इसको अपन 19 मान लेते हैं ना, आप एक एक का ही डिफरेंस बनाना। फिर है 21 का, ठीक है, सबकी डीजनरेसी लिख लेना। इसकी डीजनरेसी कितनी है, ये 17 का है, 3 3 3 6, ठीक है, बराबर इक्वल उस पर बनाना, मेरे तो आगे पीछे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया डिग्री ऑफ डीजनरेसी, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल ये बीच के है ना, और यहाँ आपके चलेगी एनर्जी बढ़ते हुए क्रम में ई। तो ये क्या है, एनर्जी लेवल एंड डीजनरेसी ऑफ पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशन बॉक्स। समझ में आ गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता कुछ भी। आपसे ये पूछा जाएगा कि डीजनरेसी क्या होती है, डीजनरेसी को समझाइए, या आपको वो कोई भी लेवल दे देगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट बताने पड़ेंगे और उनको आपको ऐसे ग्राफ में शो करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ख़त्म होता है। कल इस पेज ना अपन न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ये वाला जो है आपका कंप्लीट हो गया है। समझ में आगे बात, चैप्टर कंप्लीट हुआ है, यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है अभी आपकी। हम चला रहे हैं यूनिट सेकंड चल रही है, जिसमें पार्ट ए मैं आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ, सेकंड पार्ट चल रहा है, सेकंड पार्ट हाफ हो गया है, अब हाफ पार्ट और बचा है, जिसपे हम स्टेप पोटेंशियल वगैरह शुरू करेंगे, पोटेंशियल बैरियर और ये सब, और फिर आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मुश्किल से 5-6-7 लेक्चर और लगेंगे, है ना, फिर से आपका ये कंप्लीट। और देखो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, क्योंकि आगे के टॉपिक जो हैं वो बड़े हैं, पोटेंशियल बैरियर की सब समझाने में पूरे कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो टाइम ज़्यादा लेता है ये, ठीक है। तो हो सकता है 6-7 लेक्चर से ज़्यादा भी लग जाए, पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स आएंगे अब, ठीक है। फिर आपका श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन में थर्ड इक्वेशन, थर्ड यूनिट शुरू होगी, वो भी काफ़ी बड़ी है, एक भी यूनिट छोटी नहीं है, हाइड्रोजन एटम तक की भी कोई यूनिट छोटी नहीं है, ठीक है। सब पूरा पूरा टाइम लेंगे क्वांटम, उसके बाद जो बाकी की दो बुक है उनमें थोड़ा कम टाइम कंज्यूम होता है, पूरा टाइम ये ले लेती है क्वांटम, कर लेंगे अपन धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिर हम कल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।